बेटी है और अपना ये डराना धमकाना तो किसी और को जाकर दिखाना मम्मी जी, तो निधि किसी से नहीं डरती। बहुत हुआ, अब बस। हल्की रो इस घर की, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अपनी ये खोखली धमकियां किसी और को जाकर देना सुनी थी, और ये पेपर्स जिनके दम पर तुम इतना इतरा रही हो ना, इतना घमंड दिखा रही हो ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो पेपर्स रजिस्टर्ड नहीं है। और तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये बात जितनी जल्दी हो सके अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। कागज रजिस्टर नहीं हुए तो क्या हुआ प्रतिभा? अब हो जाएंगे। 2,000-4,000 रुपए मारूंगी उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लर्क के मुंह पर, खुद ब खुद मेरी फाइल सबसे ऊपर रख देगा। सुनिधि, ये क्या कह रही हो तुम? और ये पेपर्स देख के कहां जा रही हो तुम? रजिस्टर करवाने। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए के बाद एक एक को धक्के मार के निकालूंगी मैं इस घर से। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। लाओ लाओ ये पेपर्स दे दो। नहीं लाओ, मैं बोल रही हूं पेपर्स दो। छोड़ो संजू, फट जाएगी। सुनिधि मैं बोल रहा हूं, छोड़ो पेपर। सुनिधि बाबू गिरना, सुनिधि दरवाजा खोलो, मैं बोलो। सुनिधि मां, भाभी दरवाजा खोलिए, कोई है, जल्दी दरवाजा खोलिए भाभी। संजीव क्या हुआ, ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? भाभी सुनिधि ने वो पेपर्स लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई है, मैं उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे धोखा देकर दरवाजा बंद कर दिया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई संजीव, अगर कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स मिलने से पहले सुनिधि ने वो पेपर्स रजिस्टर करवा लिए तो। नहीं 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 भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी करके हमें सुनिधि को रोकना ही होगा। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन।
इन्हें, ये प्रेग्नेंट है और पेट के बल गिर गई है। अरे आपका तो बहुत चोट लगी। नहीं डॉक्टर, मुझे रहने दीजिए, आप मेरी सिस्टर को चेक कीजिए, ये प्रेग्नेंट है और ये पेट के बल गिर गई है, प्लीज इन्हें चेक कीजिए। अरे पहले तो मुझे आपको अटेंड करना है, आपको ज्यादा चोट लगी है, चलिए। नहीं मुझे बाद में अटेंड कीजिएगा डॉक्टर, प्लीज पहले इन्हें अटेंड कीजिए, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। ठीक है, बड़वाई ले चलो। हाँ लेके जाइए। प्रतिभा डॉक्टर, डॉक्टर साहब सुनिधि कैसी? आपकी वाइफ और होने वाला बच्चा दोनों एकदम सेफ है, बस एक दो खरोच चाहिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ प्रतिभा, देखिए उनके बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अगले 12 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है। हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी, आप बस उम्मीद मत हारिए। इस घर की मालकिन मैं हूं और तुम्हें मेरे मन मुताबिक करना होगा प्रतिभा। प्रतिभा अब तुम्हारी औकात इस घर में नौकरों वाली है। नहीं डॉक्टर, मुझे रहने दीजिए, आप मेरी सिस्टर को चेक कीजिए, ये प्रेग्नेंट है और ये पेट के बल गिर गई। मैंने कभी आपका भला नहीं चाहती थी, हमेशा आपसे नफरत की, फिर भी आपने मेरी जान बचाई, मेरे बेबी की जान बचाई। मैं बहुत बुरी हूं दीदी, क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने देना चाहिए था मुझे, मेरी जान की कीमत आपकी जान से बढ़कर नहीं। हे भगवान, अगर तुझ में शक्ति है तो मेरी जान ले ले, पर मेरी दीदी की जान बख्श दे मेरे को, बचा ले मेरी दीदी को। टाइम तो हो गया पर अभी तक कोई नहीं आया, चलो सबको बुला लेते। संजू, मम्मी जी, पीहू, अनमोल सब आ जाओ, टाइम हो गया है। एक्सीडेंट को हुए हुए पूरा एक साल हो गया,
लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। हाँ बेटा, होनी होने को होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब साथ हैं। बीती बात बुलाने में ही फायदा है। हाँ माँ, आप सही कह रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और तू चाचू के बच्चे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जा, जाके टीवी चालू कर। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर हमारी आखिरी फाइनलिस्ट के लिए। वो एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सी यादों को अपने सुरों में पुरोकर दुनिया के साथ शेयर किया है। प्रतिभा अग्रवाल। कह दीजिए। आप सबने सुना तो होगा कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। फिर वो औरत चाहे उसकी बीवी हो, उसकी मां हो या उसकी बहन, उसी तरह आज मेरी इस जीत के पीछे मेरे बच्चे पीहू अनमोल और मेरी माँ जी का हाथ है। और मेरी छोटी बहन सुनीधि, जो मुझे जबरदस्ती किचन से बाहर निकाल कर प्रैक्टिस करवाया करती थी। जब मैं ऑडिशंस के लिए आया करती थी तो मेरे पीछे से घर को संभालना, पूरे परिवार की देखरेख करना, सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती थी। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ सुनीधि कि ये जीत तुम्हारे बिना भी अधूरी है। और अपने प्यारे देवर संजीव, उसे मैं कैसे भूल सकती। संजीव ने हमेशा एक दोस्त की तरह मुझे मेरे सपने को साकार करने में मोटिवेट किया। कभी कोई भी प्रॉब्लम मैं बेझिझक उससे शेयर जरूर कर सकती थी। शायद इस सब प्यार का ही नतीजा है कि आज मैं आप सबके सामने परफॉर्म कर पाई और ये ट्रॉफी जीत पाई। My dear husband, Mr. Mahen Agarwal, Mahen, आइए प्लीज मेरे लिए।
मेरे हस्बैंड जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर उतार चढ़ाव में मेरा सहारा बने, यहां तक कि जब मैं अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी थी तब महीन ने मुझे शक्ति दी, मुझे एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। अगर आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूं ना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड का है। मैं तो बस एक साधारण सी हाउसवाइफ थी जिसे घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल करने से फुर्सत ही नहीं थी। इस सब भागा दौड़ के बीच मैं कब अपने बचपन के सपनों से अलग होती चली गई मुझे पता ही नहीं चल पाया, लेकिन मेरे पति ने मुझे मेरे बचपन के सपनों को भूलने नहीं दिया और वो हर चीज की जिसके कारण आज ये ट्रॉफी थामे मैं आप सबके सामने खड़ी हूं स्टेज पर। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूं महीन की ये जीत कभी पूरी ना हो पाती अगर इस सफर में आप मेरे हम सफर नहीं होते। I love you, Pratibha. I love you.